इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं, सही बात है? और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको यह बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है, ये हो रहा है। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा, और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये जो रिपोर्टर है, ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है, उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, आप संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो। आखिरी बात, नहीं बोलो, जोर से बोलो, नहीं एक सेकंड, जोर से बोलो। ये देखो,
सरना कोड देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। धन्यवाद। जय हिंद।